बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद शुजात रजा और मैं आपके लिए आज फिजिकल केमिस्ट्री फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ, डिफरेंट कन्वर्जेंस रिलेटेड टू मोल। नहायत ही अहम लेक्चर और नहायत ही कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर, तो जो से सुनिएगा, साथ साथ वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइएगा। न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर करवाऊँगा, उन्हें वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर आपको प्रैक्टिस मिलेगी तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखें, सबसे पहले ये बेसिक्स जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी गैस का मोल ले लें या किसी भी केमिकल का, जो एक मोल होता है उस केमिकल का अपना मास जो फार्मूले से निकलता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32 ग्राम में ले लेना है। हमने पहले लेक्चर में भी कॉन्सेप्ट समझा था कि किसी भी चीज़ का मोल असल में क्या होता है, उसका मास ग्राम में होता है। तो वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। किसी भी चीज़ का जो एक मोल होता है, अगर वो आइडियल गैस है तो उसमें हमेशा 22.414 लीटर ये वॉल्यूम होता है। ये पर कोई भी गैस हो, नाइट्रोजन हो, वन मोल नाइट्रोजन है, हालांकि उसके मास में फर्क है 28 ग्राम है, लेकिन आप देखें वॉल्यूम सेम है, 22.414 लीटर। किसी भी गैस का जो या किसी भी चीज़ का जो एक मोल होता है उसमें हमेशा इतने पार्टिकल्स होते हैं, 6.0 to 10^23 पार्टिकल्स। वन मोल नाइट्रोजन इसमें भी हमेशा 6.0 to 10^23 पार्टिकल। तो आपने कहा कि एक मोल आपके पास नाइट्रोजन है, मास में फ़र्क है, वॉल्यूम और पार्टिकल सेम है। एक मोल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मास में फ़र्क है, वॉल्यूम और पार्टिकल सेम है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, एक मोल केमिकल का जो मास होता है ग्राम्स में, इसे बोलते हैं मोलर मास, इसे कैपिटल एम से जाहिर किया जाता है। एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है इसे बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, क्योंकि एक मोल का है मोलर वॉल्यूम, और इसे वी एम से जाहिर किया जाता है। एक मोल गैस के जो पार्टिकल्स हैं या एक मोल कोई भी चीज़ है उसके जो पार्टिकल्स हैं, इन्हें कहा जाता है मोलर पार्टिकल्स। और इन्हें एन ए से जाहिर किया जाता है। तो आप देखें, वन मोल जो उसका मास है मोलर मास, वन मोल जो उसके वॉल्यूम है मोलर वॉल्यूम, और वन मोल जो उसके पार्टिकल्स हैं दैट आर कॉल्ड मोलर पार्टिकल्स। ठीक हो गया। अब देखें, नंबर ऑफ मोल्स की हम मास के हिसाब से या वॉल्यूम और पार्टिकल के हिसाब से तीन फार्मूले डिस्कस करेंगे जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तमाम जो हमारा लेक्चर है वो इन तीन फार्मूलों पर बेस करता है। यह आपने माइंड में रखने फार्मूले, नंबर ऑफ मोल मास के हिसाब से। बहुत बार आपने फार्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ठीक हो गया। हाँ, इसे आप दूसरा भी बना सकते हैं, अगर आप मास का निकालना चाहें तो ये मोलर मास उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। वॉल्यूम का पहले दोबारा इसे देख लें, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मोलर मास। दोबारा बोलता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मोलर मास। एक बार फिर बोलता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मोलर मास, क्योंकि इसी की मदद से हमने ये याद कर लेना। अब आ जाए वॉल्यूम पे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। ठीक है। और अब आ जाए पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल्स ओवर मोलर पार्टिकल्स। तो ये तीनों बिल्कुल एक जैसे फार्मूले हैं, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स ओवर मोलर पार्टिकल्स। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, मास ही गिवन होता है या ये मालूम करना होता है, वॉल्यूम गिवन होगा या मालूम करना होगा, और ये पार्टिकल्स गिवन होंगे या निकालने होंगे। दोबारा देखें, मास ओवर मोलर मास, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, पार्टिकल्स ओवर मोलर पार्टिकल। दोबारा दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इन्हें अभी याद कर लें, क्योंकि हमारे बहुत काम आने वाले हैं। आप इसी से फार्मूला बना सकते हैं, ये वॉल्यूम का, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के भी बना सकते हैं, नंबर ऑफ मोल मोलर पार्टिकल्स। तो तीन फार्मूले बेसिक हैं जो आपने याद करने, और नेक्स्ट थ्री आप इन्हीं से ड्राइव कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल ओवर मोलर पार्टिकल। ठीक है। तो ये फार्मूले हमारे काम आएंगे, बार बार काम आएंगे, लिहाजा इन्हें यहाँ सेपरेट, क्योंकि स्पेस थोड़ी है, इन्हें यहाँ पे सेपरेट हम लिख लेते हैं ताकि हम इसे हमेशा यूज कर सकें। नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स ओवर मोलर पार्टिकल। राइट। अब आ जाए जी रिलेशन, ये हमारे पास मोल है, आप मोल से मास का रिलेशन भी बना सकते हैं, मतलब किसी चीज के मोल की मैंने आप मास निकाल सकते हैं।
या मैथ्स की वन है, आप मोल निकाल सकते हैं। अभी हमने ये फार्मूला याद किया, आप मोल से पार्टिकल का रिलेशन भी बना सकते हैं। पार्टिकल की वन है मोल निकाल लेंगे, मोल की वन है पार्टिकल निकाल लेंगे, आप मोल और वॉल्यूम का रिलेशन भी बना सकते हैं। तो इस लिहाज से हम रिलेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करने जा रहे हैं। एक वो रिलेशन जो डायरेक्ट है, देखें मैस और मोल, वॉल्यूम और मोल, पार्टिकल्स और मोल आपस में एक दूसरे के साथ साथ है ना, मैस मोल, पार्टिकल मोल, वॉल्यूम मोल। तो मैं डायरेक्ट रिलेशन तीन बना रहा हूं। पहला रिलेशन मोल और मैस का, मोल गिवन हो आप मैस फाइंड आउट कर लेंगे, मैस गिवन हो मोल फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे तो ये फार्मूला, ठीक है। दूसरा रिलेशन जो डायरेक्ट है, मोल और पार्टिकल्स का, इसमें क्या है भाई, आपके पास पार्टिकल्स गिवन है मोल फाइंड आउट कर लेंगे, मोल गिवन है पार्टिकल फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे ये फार्मूला देखिए, ये हम यूज करेंगे बार बार। और तीसरा रिलेशन वो भी डायरेक्ट है, मोल और वॉल्यूम का, मोल एंड वॉल्यूम। भाई ये रिलेशन कहाँ पे है, देखें वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम, ये फार्मूला यूज करेंगे आप, ये रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये डायरेक्ट रिलेशन, इनके फार्मूले आपके पास मौजूद हैं, आपने रैपिडली फार्मूला यूज करना है, जो आप निकाल लेना है। अब आ जाए जरा इनडायरेक्ट रिलेशन पे। मिसाल के तौर पर मैथ से पार्टिकल निकालने हो, ये तो डायरेक्ट है ही नहीं, आपस में अटैच ही नहीं है। वॉल्यूम से मैथ निकालना हो, या मैथ से वॉल्यूम निकालना हो, या वॉल्यूम और पार्टिकल का रिलेशन हो, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन है जिसे मैंने रेड किया हुआ है। अब इनडायरेक्ट रिलेशन में ये जो मोल है ना, ये नहायत ही अहम हो जाता है। ये मोल एक चौक की मानी है, जैसे एक चौक होता है जिसमें कई सड़कें मिल रही होती हैं। तो आपने एक सड़क से दूसरी सड़क पे जाना है, तो आप ये तो नहीं कि घरों की छतें फलांग के जाएंगे, क्या करेंगे, एक सड़क से चौक में आएंगे, यहां से दूसरी सड़क पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज आपने यहां पे माइंड में रखनी है, आपने मैस से पार्टिकल निकालने हैं थ्रू मोल आपको जाना है, ठीक है। आपने वॉल्यूम से मैस निकालना है, डायरेक्ट नहीं जाना, थ्रू मोल जाना है। आपने इसे पार्टिकल से वॉल्यूम निकालना है, या वॉल्यूम से पार्टिकल, थ्रू मोल आपने जाना है। ये इनडायरेक्ट रिलेशन है जिसमें आपको थ्रू मोल जाना पड़ेगा। तो एक रिलेशन है मैस पार्टिकल्स का, जब भी आपको इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाए मैस और पार्टिकल के रिलेशन के, तो थ्रू मोल, मैस वॉल्यूम का रिलेशन है, और नंबर थर्ड पे वॉल्यूम पार्टिकल्स का रिलेशन है, वॉल्यूम पार्टिकल्स। तो मैंने रिलेशंस को जितने भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं मोल की कन्वर्जेंस के, मैंने छह कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। मैंने कहा कि तीन रिलेशन डायरेक्ट हैं, तीन रिलेशन इनडायरेक्ट हैं। अब देखें नेक्स्ट एक चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो डायरेक्ट रिलेशंस हैं इनमें निशानी यह है कि मोल का जिक्र होगा, या मोल गिवन दिया जाएगा, या मोल पूछा जाएगा। और जो इनडायरेक्ट रिलेशंस हैं, इनकी निशानी है कि इनमें कहीं मोल का जिक्र नहीं है। तो मैं अपनी लैंग्वेज जो कि हमारी नेटिव लैंग्वेज है उर्दू, उसमें लिख रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बैठ जाए, मोल का जिक्र होगा। अपनी जुबान में जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा याद रहते हैं, भूलते नहीं है। इनमें मोल का जिक्र होगा, फौरन गैस करेंगे ये डायरेक्ट रिलेशन है, मोल का जिक्र है, ठीक है, आप उसकी मदद से फार्मूले लगाएं, जवाब निकाल लीजिए। इनमें मोल का जिक्र नहीं होगा, और आपने मोल ही निकालने हैं, मोल का जिक्र नहीं है, ना मोल गिवन दिए गए हैं, ना मोल आपसे पूछे गए हैं। तो आपको फौरन ये माइंड क्लिक करेगा कि ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, इसे कैसे करना है, अभी हम बहुत सारे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो अभी हम करेंगे इन्हें। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं डायरेक्ट रिलेशन। हमने पहले डिस्कस कर लिया, हमारे पास तीन किस्म के रिलेशन डायरेक्ट हैं, मैस मोल या मोल मैस, वॉल्यूम मोल या मोल वॉल्यूम, पार्टिकल्स मोल या मोल पार्टिकल्स। और फार्मूले हमने प्रीवियस पेज पे इन्हें डिस्कस किया था, मैस मोल का रिलेशन है नंबर ऑफ मोल मैस ओवर मोलर मैस, वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, और पार्टिकल्स का नंबर ऑफ मोल्स गिवन पार्टिकल्स ओवर मोलर पार्टिकल्स। तो ये हमारे माइंड में है फार्मूले, इन्हीं को हम बार बार यूज़ करेंगे। तो इसे प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो। फाइंड मोल ऑफ 88 ग्राम CO2, हमारे पास है 88 ग्राम CO2, ये जो गिवन है हमारे पास
ये क्या है, ये मैस है और आपने मोल फाइंड आउट करना है, तो मैस मोल रिलेशन बन गया ना। आप नंबर ऑफ मोल का डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा, मैस ओवर मोलर मैस। मैस आपके पास गिवन है 88, मोलर मैस CO2 का होता है 44, और ये 2 मोल इसका आंसर आ भी गया। तो ये 1 मिनट भी नहीं लगा, आधा मिनट लगा इसमें, इतना आसान ये न्यूमेरिकल हो जाता है। अब आ जाए दूसरे पे, फाइंड मैस ऑफ 2 मोल ऑफ सोडियम एटम। तो अब देखें, उसने मैस पूछ लिया और मोल गिवन दे दिए, फार्मूला वही नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। और आप इसी से ये फार्मूला बता सकते हैं, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल हमारे पास गिवन है 2, मोलर मैस सोडियम का होता है 23, और ये बन गया जी 46 ग्राम्स, मैस का यूनिट ग्राम। ठीक हो गया, तो नहायत ही आसान ये था पहला रिलेशन, मैस मोल का रिलेशन। अब आ जाए दूसरा रिलेशन, वॉल्यूम और मोल का रिलेशन या मोल वॉल्यूम का रिलेशन। फाइंड मोल्स ऑफ 11 लीटर नाइट्रोजन गैस। देखें, उसने आपको वॉल्यूम दे दी है 11 लीटर और मोल पूछ रही है, तो कोई इसमें इशू नहीं है। जहां आपने मैस और मोलर मैस का फार्मूला लगाया, आप लगाएंगे नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, बिल्कुल आइडेंटिकल फार्मूला हमने इसमें यूज़ करना है। वॉल्यूम है आपके पास 11, मोलर वॉल्यूम हमेशा 22.414 होता है, ये 1/2.5 मोल इसका आंसर आ भी गया, राइट। अब आ जाए नेक्स्ट, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब के आपको मोल गिवन दे दिए गए 5 मोल, और आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वही ऊपर वाला फार्मूला नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम। आप इसे वॉल्यूम का बना सकते हैं, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल 5 है, मोलर वॉल्यूम हमेशा 22.414, तो इसका जो भी आंसर है आप यहाँ DM3 में लिख लीजिएगा, राइट। अब आ जाए तीसरे रिलेशन पे, पार्टिकल और मोल का, या मोल या पार्टिकल का। 3.01 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हैज अ मोल। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए गए और मोल आपने फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला पार्टिकल्स ओवर मोलर पार्टिकल्स। आपको गिवन पार्टिकल दिए गए हैं 3.01 10^23, मोलर पार्टिकल हमेशा होते हैं 6.02 10^23, ये 1/2 आ जाएगा 0.5 मोल्स, राइट। और इसका सेकंड, इस रिलेशन का, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज मॉलिक्यूल्स। आपको 4 मोल ऑक्सीजन गैस दे दी गई है और पूछा गया इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यही ऊपर वाला फार्मूला पार्टिकल ओवर मोलर पार्टिकल। आप इसे बना सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर पार्टिकल। नंबर ऑफ मोल कितने हैं 4, मोलर पार्टिकल हमेशा एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10^23, तकरीबन ये 24 10^23 के करीब ही इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब मैंने आपको जो डायरेक्ट रिलेशन सिखाए हैं ना 3, क्योंकि मैं स्लाइड अरेज कर दूंगा बाद में, हमारे एक ज़रूरत पड़नी थी इसकी, अभी वो समझ लें। मेरा ख्याल है ये मैंने आसान मेथड आपको करवाया, आपको समझ आ गया होगा। अब देखें, इसमें क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई थी ना, फाइंड मोल्स ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2, इन तमाम क्वेश्चन में CO2 का मैस दिया गया और उसी के मोल पूछे गए, ठीक है। CO2 का मैस दिया गया, उसी के मोल पूछे गए, सोडियम के मोल दिए गए, उसी का मैस पूछा गया। केमिकल सेम है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा, ये आपने माइंड में रखना है, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उनमें केमिकल चेंज हुआ करेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, नाइट्रोजन के वॉल्यूम दे के मोल पूछे गए, केमिकल सेम है, देखें। हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूछा गया मोल दे के, केमिकल सेम है। कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल दे दिए गए, मोल पूछ लिए गए, और ऑक्सीजन मोल दे दिए गए, पार्टिकल पूछ लिए गए। तो आपने देखा केमिकल इन तमाम रिलेशन में सेम था, ये आपने माइंड में रखना है। जब सेम केमिकल हो गिवन और रिक्वायर्ड, आपने ये रिलेशन लगाने हैं और इसे वो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर। स्टूडेंट्स, अब इन डायरेक्ट रिलेशन में पहला रिलेशन देखिएगा, ये 3 किस्म के रिलेशन है, हमने प्रीवियस स्लाइड पर भी देख लिया था, मैस पार्टिकल्स। आप देखिए इसमें मोल का जिक्र नहीं है, मैस वॉल्यूम, वॉल्यूम पार्टिकल्स। अब ये 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन से शुरू करते हैं, व्हाट इज द मैस ऑफ 12.04 10^23 पार्टिकल्स ऑफ सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन गैस। तो मैस आपने फाइंड आउट करना है, आपको पार्टिकल्स दे दिए गए, तो अब आपने इसमें थ्रू मोल जाना है। सबसे पहले आपको जो पार्टिकल दिए गए हैं ना,
ये वाले, इनसे आपने मोल बनाने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पार्टिकल्स डिवाइड बाय मोलर पार्टिकल्स। बहुत बार हमने फार्मूले यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स तीन फार्मूले से क्या, मैस ओवर मोलर मैस, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, पार्टिकल्स ओवर मोलर पार्टिकल, यही हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखें पार्टिकल्स कितने हैं, 12.04 10^23, और मोलर पार्टिकल क्या होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। तो ये टू आ गया ना, ये टू मोल आ गया। तो जब ये टू मोल आ गया तो आपने मोल तो निकाल लिए, अब आपने जो निकालना है वो निकाल लिए। वट इज मैस ऑफ, आपने निकालना था मैस, अभी आपने निकाला है मोल। तो मैस का क्या फार्मूला, मैस और मोलर मैस मोल्स होते हैं, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल अभी हमने टू निकाले हैं, मोलर मैस केमिकल का नाइट्रोजन है 28, ये नियर अबाउट 56 ग्राम इसका आंसर आ गया, राइट। अब देखिए इफ़ यू हैव 46 ग्राम सोडियम, आपके पास सोडियम है 46 ग्राम, फाइंड इट्स पार्टिकल्स, आपने पार्टिकल्स निकालने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास मैस है इसे मोल बनाइए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस आपके पास है 46, मोलर मैस सोडियम का होता है 23, टू आंसर आ गया। तो जब आपके पास ये इसके मोल्स का आंसर आ गया, अब आपने वो जो फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के क्या फार्मूला, ये यही वाला ना, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल और मोलर पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर पार्टिकल्स, टू मोल है, आपने इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया जी आपका आंसर 12.04 10^23, राइट। अब ये जो रिलेशन है ना मैस पार्टिकल का, ये वाहिद रिलेशन है जिसका सेपरेट एक फार्मूला है, और आपने बहुत बार इसे पढ़ा भी हुआ है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो आप ये वाला फार्मूला इन दोनों न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा आसान हो जाएगा इसके मुकाबले में। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमने इसी मेथड से ये मैंने आपको करवाया, क्यों, क्योंकि ये तमाम जो बाकी हैं वो इसी मेथड से होते हैं। इसका अगर फार्मूला बता दिया जाए बाकी तो इसी मेथड से करने हैं, तो मैं आपको सारे इसी मेथड से करवा रहा हूँ। अभी आपकी जवाब दी जाए कि आप ये वाला इस मेथड से कर सकते हैं, आपका ये जवाब वही आएगा, आप करके देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए ये मैस वॉल्यूम का रिलेशन है, और इन्हें न्यूमेरिकल से ही करेंगे। 6 ग्राम हाइड्रोजन है वॉल्यूम, तो हमारे पास मैस दे दिया गया, वॉल्यूम पूछ लिया गया। आप सबसे पहले निकालेंगे मोल, हमेशा मोल्स आपने निकालने हैं। तो आपके पास जो मैस है इसे मोल बनाइए, नंबर ऑफ मोल्स मैस ओवर मोलर मैस, मैस है 6, मोलर मैस हाइड्रोजन का होता है 2, ये 3 मोल आ गए। अब आप निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस, और ये आपका आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 66 या 67 के करीब, राइट। तो फार्मूले मैं तीन ही इस्तेमाल करूँ बार बार, इसके अलावा फार्मूला में कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं दोबारा यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ फार्मूला में कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैस वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने हैं, ये पहला स्टेप हुआ करेगा। कैसे, ये तीन फार्मूले हैं, मैस और मोलर मैस, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स ओवर मोलर पार्टिकल। इसके अलावा फार्मूले हम यूज़ नहीं कर रहे, हाँ इसी से मजीद तीन बनते हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिक फार्मूले आपने माइंड में रखना। अब यहाँ पे देखिए 11 लीटर ऑफ हाइड्रोजन हैज़ मैस, तो आपको वॉल्यूम दे दिया गया, मैस पूछ लिया गया, 11 लीटर हाइड्रोजन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मोल बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम 11 डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम 22.5 मोल्स आ गए नियर अबाउट। अब आप इसका मैस निकालेंगे हाइड्रोजन का, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस, नंबर ऑफ मोल है हाफ और मोलर मैस हाइड्रोजन गैस का 2, ये 1 ग्राम, राइट। अब आ जाए इसका थर्ड रिलेशन वॉल्यूम और पार्टिकल का। आपको वॉल्यूम दिया जाएगा, पार्टिकल पूछे जाएंगे, पार्टिकल दिए जाएंगे, वॉल्यूम पूछा जाएगा। 44 लीटर ऑफ ऑक्सीजन हैज मॉलिक्यूल, तो आपको वॉल्यूम दे दिया गया, क्या करेंगे, सबसे पहले मोल बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम है 44, मोलर वॉल्यूम होता है 22.414, नियर अबाउट 2 आंसर आ गया।
अब आप निकालेंगे इसके मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एन ए, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एन ए टू मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये आंसर इसका आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग 10 पावर 23। और इसमें लास्ट न्यूमेरिकल देखें, 3.01 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सी ओ टू हैज वॉल्यूम। आपको मॉलिक्यूल दे दिए गए, वॉल्यूम पूछ लिया गया, तो क्या करेंगे, गिवन जो भी दिया गया उसे मोल बनाएंगे, हमने ब्रास तो मोल ही जाना है तमाम न्यूमेरिकल्स में। तो मॉलिक्यूल आपको दिए गए, आप नंबर ऑफ मोल बनाइए, क्या पार्टिकल्स ओवर मोलर पार्टिकल्स, पार्टिकल हमारे पास हैं 3.01 10 पावर 23, मोलर पार्टिकल्स हैं एवोगैड्रोस नंबर, ये 1/2 आ जाएगा, हाफ 0.5, ये हमने बना लिए नंबर ऑफ मोल्स। और इसके बाद आपने निकालना था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स है 0.5, मोलर वॉल्यूम होता है 22.414, तो 11 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब दोबारा वही बात जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे सिखाई थी कि जब भी आप ये रिलेशन कर रहे हैं ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आपने एक चीज पे अभी तक गौर किया होगा कि देखें, व्हाट इज द मास ऑफ दीज पार्टिकल ऑफ नाइट्रोजन, केमिकल सेम है, केमिकल नाइट्रोजन ही है, उसी का मास पूछा, उसी के पार्टिकल दिए, केमिकल सोडियम ही है, उसी का मास दे गया, उसके पार्टिकल के बारे में पूछ लिया गया, केमिकल हाइड्रोजन ही है, उसी का मास दे के वॉल्यूम पूछ लिया गया, केमिकल हाइड्रोजन ही है, उसी का वॉल्यूम दे के मास पूछ लिया गया, तो केमिकल चेंज नहीं हो रहा। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ये ऑक्सीजन केमिकल है और यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल है, ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, उसमें केमिकल चेंज हुआ करेगा, गिवन और हुआ करेगा और जो पूछा गया है वो और हुआ करेगा। आइए आज के लेक्चर के सबसे मुश्किल टॉपिक की जानिए, मैंने इसकी हेडिंग बना दी है गिवन रिक्वायर्ड डिफरेंट, आपने इन्हें क्वेश्चन से समझना है, हम काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखें, मास ऑफ कार्बन आपने निकालना है, कार्बन का मास इन 10 मोल ऑफ CO2, देखें आपको दिया क्या गया है, 10 मोल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, ये आपका गिवन है, और आपका रिक्वायर्ड क्या है, मास ऑफ कार्बन, आपने कार्बन फाइंड आउट करना है उसी का मास, तो देखें गिवन कार्बन डाइऑक्साइड है और मास आपसे कार्बन का पूछ लिया गया है, ये आपने माइंड में रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें गिवन और हो, रिक्वायर्ड और हो, तो ये अभी तक जो हमने किए हैं उससे थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपने दो स्टेप फॉलो करने हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दो स्टेप कौन से हैं। पहला स्टेप आपने गिवन के मोल निकालने हैं और दूसरा स्टेप आपने कंपैरिजन करना है गिवन और रिक्वायर्ड का, तो इसके बाद आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। फार्मूले हम वही यूज़ करेंगे जो मैंने आपको तीन बता दिए, नंबर ऑफ मोल मास ओवर मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स ओवर मोलर पार्टिकल, फार्मूले यही यूज होने हैं। देखें अब बात शुरू करते हैं, मास ऑफ कार्बन इन 10 मोल ऑफ CO2। अब देखें इसमें ये मास ऑफ कार्बन निकालना है इन 10 मोल ऑफ CO2, तो हमारे पास CO2 के मोल दे दिए गए और आपने कार्बन का मास निकालना है, तो इसमें हमने पहला स्टेप करना ही होता था कि जो भी आपको गिवन दिया गया उसके मोल, इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में मोल पहले ही दे दिए गए हैं, तो पहला स्टेप तो हमारा खुद ब खुद हो गया। और कंपैरिजन देखें, आपको 10 मोल CO2 दे दिया गया, पहला स्टेप तो हो गया ना, मोल आपने CO2 के आपके पास हैं, अब आपने कंपैरिजन हमेशा होता है गिवन और रिक्वायर्ड के दरमियान, गिवन आपने यहाँ पर लिखा, रिक्वायर्ड आपने यहाँ पर लिखा, गिवन हमारे पास है जी CO2, रिक्वायर्ड हमारे पास है कार्बन, और आपने कंपैरिजन हमेशा मोल का करना है, कंपैरिजन हमेशा मोल, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक मोल हो तो उसमें कार्बन कितनी होती है, वो भी 1 ही होती है ना, 1 मोल, ये इस अंदाज में है कि देखिए ना कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन कितनी है, बराबर ही है, अगर ये एक है तो ये भी एक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक मोल हो उसमें कार्बन भी 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड कितना गिवन है 10 मोल, कार्बन कितना हो गया 10 मोल बराबर हो गया, तो आपने कार्बन के मोल निकाल लिए, हमने तो निकालना था मास ऑफ कार्बन, देखें आपने अब कंपैरिजन से कार्बन के मोल निकाल लिए, कंपैरिजन से हमेशा मोल निकला करेंगे, तो आपके पास फार्मूला ना मास का, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास,
आपने कार्बन के मोल निकाल लिए 10, मोलर मास कार्बन का 12, ये आ गया जी आंसर 120 ग्राम, राइट। इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं, देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, आपने ऑक्सीजन एटम के मोल निकाल दिए, ऑक्सीजन एटम के मोल, ये हमारा रिक्वायर्ड है इन 22 ग्राम CO2, ये हमारा गीवन है। तो आप देखें गीवन है कार्बन डाइऑक्साइड, पूछा गया ऑक्सीजन, फर्क आ गया ना। तो आप क्या करेंगे, पहला स्टेप मोल निकालेंगे, किसके भाई गीवन के निकालने हैं, आप गीवन के मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल CO2 दैट इज इक्वल टू मैस और मोलर मैस, मैस हमारे पास है 22, CO2 का मोलर मैस होता है 44, ये हाफ आ गया 0.5, ये हमने इसके मोल निकाल लिए। इसके बाद क्या करेंगे, कंपैरिजन, कंपैरिजन में गिवन इस साइड पे CO2, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इस साइड पे, और कंपैरिजन देखें अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल हो तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है, डबल होती है 2 मोल, फार्मूला बता रहे हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 हो 1 CO2, ऑक्सीजन इसमें 2 होते हैं ना, 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 मोल, ऑक्सीजन इसमें 2 मोल होते हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 0.5 मोल, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 मोल होगी तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 2 × 0.5, 1 मोल, ये हमने ऑक्सीजन के मोल निकाल लिए। क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ये खत्म हो गया क्योंकि हमने ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लिए। चलिए स्टूडेंट्स मजीद दो न्यूमेरिकल्स करते हैं जिसमें वही कॉन्सेप्ट है, गिवन रिक्वायर्ड डिफरेंट होंगे। देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपने फाइंड आउट करने हैं हाइड्रोजन के मोल्स, हाइड्रोजन एटम के मोल्स इन 12.04 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखिए आपको गिवन वाटर दे दिया गया, पूछ लिया गया हाइड्रोजन के मोल्स, तो वही बात है ना, गिवन और है रिक्वायर्ड और है, क्या करेंगे दो स्टेप से गुजरेंगे, मोल फाइंड आउट करेंगे गिवन के और कंपैरिजन करेंगे। तो गिवन आपके पास है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पार्टिकल्स ओवर मोलर पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल्स हैं 12.04 × 10⁻³, मोलर पार्टिकल्स होते हैं 6.02 × 10⁻³, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2, राइट। अब क्या करेंगे कंपैरिजन, कंपैरिजन में गिवन लेफ्ट साइड पे हमेशा, रिक्वायर्ड हमेशा राइट साइड पे। गिवन आपके पास था वाटर जिसके आपने मोल फाइंड आउट किए हैं, रिक्वायर्ड है आपके पास हाइड्रोजन एटम। अब आप देखें वाटर अगर 1 मोल हो तो इसमें हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं, फार्मूला ही बता रहा है 2 मोल हाइड्रोजन एटम, तो वाटर हमारे पास था 2, अभी हमने इसके मोल फाइंड आउट किए, अगर वाटर 2 मोल हो जाएगा तो हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, 4 मोल। नेक्स्ट देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, अच्छा नंबर थर्ड में जो हमने थर्ड न्यूमेरिकल किया उसमें क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स और होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और होते हैं, इसमें आपने हाइड्रोजन एटम की तादाद निकालनी है, तादाद पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये थे नंबर ऑफ मोल्स, इसमें आपने मोल्स निकालने थे, ये माइंड में रखिएगा, उसमें डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपने हाइड्रोजन एटम निकालनी है इफ़ यू हैव 11 लीटर ऑफ अमोनिया, तो क्या करेंगे, पहले तो वही प्रॉब्लम ना जो आपसे पूछा गया है वो आपको दिया नहीं गया, दिया गया अमोनिया, पूछा गया हाइड्रोजन एटम, तो प्रॉब्लम आ गया। आपने इन दो स्टेप से गुजरना है, मोल निकालना है गिवन के, कंपैरिजन करना है, गिवन के मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, यही तीन फार्मूले बार बार यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम 11 है, मोलर वॉल्यूम 22 होता है, ये आ गया हाफ 1/2 या 0.5 मोल, ये हमने अमोनिया के मोल बना लिए। अब आपने कंपैरिजन करना है गिवन लेफ्ट साइड पे, रिक्वायर्ड आपके पास है हाइड्रोजन राइट साइड पे, अमोनिया अगर 1 मोल हो तो इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं, 3 मोल, अमोनिया हमारे पास कितना है 0.5 मोल, हाइड्रोजन कितने आएंगे 3 × 0.5, 1.5 मोल, ये मैंने हाइड्रोजन के मोल निकाल लिए हैं, हमने हाइड्रोजन के मोल नहीं निकालने थे, हमने हाइड्रोजन के एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम उनकी तादाद। तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल का फार्मूला लगाइए, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड में एन ए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल आए 1.5, एन ए की वैल्यू दिस, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.10⁻³, राइट। स्टूडेंट इसमें मजीद दो क्वेश्चन करते हैं और इसे फिर ख़त्म करते हैं, वही कॉन्सेप्ट है गिवन रिक्वायर्ड डिफरेंट आ रहा है। अब देखें हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ एटम, आपने नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हैं टोटल, और आपको गिवन क्या दिया गया है 44 लीटर CO2, गिवन आपका और है कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वॉल्यूम, और आपने निकालना क्या है उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो अब आप क्या करेंगे,
सबसे पहले जो गीवन है उसके मोल बनाएंगे, यही स्टेप है मोल कंपेरिजन। गीवन हमारे पास है 44 लीटर, तो अब वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम है 44, मोलर वॉल्यूम है आपके पास 22.414, ये 2 मोल आ गया तकरीबन। जब आपके पास मोल्स आ जाएं, अब आप कंपैरिजन करेंगे। गिवन आपके पास है CO2, फाइंड आउट आपने करना है एटम्स, टोटल एटम्स। तो CO2 अगर 1 हो, 1 मोल हो, इसमें एटम कितने होते हैं, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 मोल। कंपैरिजन आपने हमेशा मोल का करना है। हमारे पास CO2 कितना आया था, 2 मोल। अगर CO2 2 मोल होगा तो इसमें एटम्स कितने हो जाएंगे, उसके डबल 6 मोल। ये हमारे पास एटम हो गए, एटम्स के मोल हो गए। उन्होंने कहा था टोटल नंबर ऑफ एटम, एटम के मोल नहीं नंबर। तो आप नंबर ऑफ एटम का फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन ए, नंबर ऑफ मोल 6 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। इसका जो भी आंसर है आप निकाल लीजिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 88 ग्राम ऑफ CO2। देखें जो पूछा गया है वो दिया नहीं गया, आपको दिया गया 88 ग्राम CO2। आपने सबसे पहले उसके मोल्स बनाने हैं, नंबर ऑफ मोल, क्योंकि मैस दिया गया है मैस ओवर मोलर मैस। यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया था तो वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम सेम फार्मूले, 3 वही लगाए जा रहे हैं बार बार। मैस हमारे पास है 88, मोलर मैस CO2 का 44, ये आ गया 2 मोल। जब ये 2 मोल आ गया तो अब क्या करेंगे, कंपेरिजन। ये सेकेंड स्टेप हुआ करता है हमेशा। CO2 लेफ्ट साइड पे, जो फाइंड आउट करना है राइट साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 मोल हो तो कार्बन भी उसमें 1 मोल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने अभी फाइंड आउट किया 2 मोल, कार्बन भी 2 मोल हो जाएगा। ये हमने कार्बन के मोल निकाल लिए। उन्होंने कहा था नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो नंबर ऑफ एटम का फार्मूला नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एन ए, 2 NA। इसका जो भी आंसर है आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये रिलेशन खत्म होता है। अब इसमें नो डाउट ये लेक्चर पूरी केमिस्ट्री में, पूरे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में सबसे मुश्किल समझा जाता है। इसके कई मेथड करवाए जाते हैं, मैंने आपको वो मेथड करवाया जो नहायत ही आसान है। आपको अब क्या करना है, इन क्वेश्चंस की या इन जैसे क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, या आपको ग्रिप आएगी इन क्वेश्चंस पे बार बार प्रैक्टिस करने से। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आएगी। लेक्चर को बार बार देखें, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं, जो क्वेश्चन करवाए गए हैं उन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।